नमस्कार भैया बहनों, आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा नौवीं विषय हिंदी पाठ दो बेलों की कथा वीडियो क्रमांक 6। इससे पूर्व वीडियो क्रमांक 5 में हम सभी भैया बहनों ने पढ़ा था कि चूरी काछी के दो बेल गया के वहां जाते हैं। गया उनको पूरे रात दिन उनको हल में जोतता है और डंडे भी खिलाता है। इससे उनको ये नापसंद होता है बैलों को, और वे रात को ही वहाँ से भाग निकलते हैं। भागने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है उसके बाद देखते हैं। वे दोनों भाग गए। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया पूरा जोर से, जहाँ तक आवाज़ गई थी वहाँ तक सारे लोग गांव के कुछ आदमी को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। इसमें न कुछ गलती से न छपा गया, इसलिए दोनों बैल भाग गए। उन्होंने पूरा शोर भी मचाया लेकिन कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था। सीधे दौड़ते चले गए बैल, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आई थी उसका यहाँ पता नहीं था, अर्थात जिस मार्ग से गया लेकर आया था उस मार्ग का उनको कोई ज्ञान नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है, रहा भूल गए, अर्थात मार रहा का अर्थ होता है मार्ग। हीरा ने कहा, हम मार्ग को भूल गए, अब कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, किस दिशा से आए यह भी पता नहीं है। तुम भी बेतहाशा भागे। बेतहाशा का अर्थ होता है बिना होश, अर्थात हवास के, बिना होश के भागे अपन। वहीं उसे मार गिराना था गया को। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती बेलों को। वह अपने धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। उसके बाद दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले रहे थे। आहट लेना का होता है किसी के आने की टोह लेना, अर्थात पास में मटर की फसल खड़ी थी वो उस खेत के अंदर घुस के दोनों बैल चरने लगे। रह रहकर कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। आज़ादी का अनुभव कैसे किया, दो तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। बड़ा आनंद आया। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेकने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। अर्थात दोनों ने आपस में सींग मिलाए और बड़े प्रेम के साथ आपस में सींग मिलाकर एक दूसरे का प्रेम की भावना से सींग मिलाए और एक दूसरे के पीछे धकेलने लग गए। इस तरह वह खाई में गिर गया मोती, हीरा खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया था। हीरा को भी थोड़ा क्रोध आया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ ऐसे लग रहा है, तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा, अर्थात कोई सांड उनको दिखाई दिया मोटा ताजा। हाँ सांड ही है, वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगल से झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, अर्थात उसका शरीर बहुत मोटा ताजा था। उसने बिना जान से हाथ धोना करता प्राण अपने संकट में लेना, मुहावरा है।
लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती, अर्थात भिड़ेंगे तो भी मारेगा, नहीं भिड़ेंगे तो भी मारेगा, इन्हीं की तरफ अब आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है उसकी। मोती ने मुख भाषा में उन्होंने अपनी भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अर्थात हीरा सहनशील था, अपने घमंड में फूला हुआ है। वह जो सांड है अपने घमंड में फूला हुआ है। आरजू करता था प्रार्थना, विनती न सुनेगा, भाग भाग क्यों न चले, भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा मैं तो 9-2-11 होता हूँ, अर्थात मैं तो भाग जाता हूँ, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगेता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, अर्थात मैं आगे से धक्का लगाता हूँ, तुम पीछे से धक्का लगाओ, दोहरी मार पड़ेगी उस सांड पर, तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर से झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके, सांड को भी संगठित शत्रु से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, अर्थात उन्होंने उस सांड को हमेशा एक से लड़ने का तजुर्बा था, लेकिन इन दोनों में मित्रता अच्छी थी, तो इन दोनों का संगठन था, इसलिए वह तो एक शत्रु से मलयुद्ध करने का आदि था, वह हमेशा एक से ही लड़ता झगड़ता था। जो ही हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी बड़े उस्ताद थे, चालाक थे, निपुण थे, उसे वह अवसर नहीं देते थे। एक बार सांड जल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती में बगल से आकर उसके पेट में सिंह भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंह चुबा दिया। आखिर बेचारा घायल होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमने नाचते चले जाते थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में अपनी भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, अपमान किया, अर्थात रोका उसको, नहीं, गिरे हुए बेरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हीरा सहनशील था, समझदार था। इस पाठ में कुछ शब्दार्थाएँ वो आपको करने हैं, बेतहासा बिना होश आवास के, अर्थात बहुत तेज आठ लेना, किसी के आने की प्रतीक्षा जिसको टहो लेना, आरजू प्रार्थना, रगेदना दौड़ाना, जोखिम खतरा जान हथेली पर लेना, प्राण संकट में डालना, संगठित एकत्रित तजर्बा अनुभव, तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, फटकार लगाना। इस पाठ में संबंधित जो पढ़े हैं प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्न क्रमांक एक, हीरा और मोती ने किस प्रकार सांड से युद्ध किया, आपको प्रश्न अपनी कॉपी में करना है। प्रश्न क्रमांक दो, हीरा और मोती भागने पर उन्होंने आज़ादी का किस प्रकार अनुभव किया, दो प्रश्न आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। शब्दार्थ इस पाठ के जो आए हैं वो भी आपको करने हैं। शब्दार्थ में दो मुहावरे हैं, वो भी आपको अर्थ सहित लिखने हैं। धन्यवाद।